आगे बात करेंगे बिहार की, जहां के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद नीतीश पर तेजस्वी को उनके पद से हटाने का दबाव बढ़ने लगा है। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को उनके पद से हटाने के साथ साथ तीन विकल्पों पर विचार कर सकते हैं। पहला विकल्प, नीतीश सीधे तेजस्वी से इस्तीफा मांग सकते हैं। दूसरे विकल्प के तौर पर नीतीश लालू यादव से अपने बेटे को इस्तीफा देने के लिए मनाने को कह सकते हैं। वहीं तीसरे विकल्प की बात की जाए तो भ्रष्टाचार के मामले में चार्जशीट दाखिल होने तक पद पर बने रहने का मौका हो सकता है। तो ये तीन विकल्प नीतीश तेजस्वी पर अपना सकते हैं।